नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में। भाई पिछली क्लास में हमने नल और टंकी को पूरा कर लिया था। भाई नल और टंकी लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे अपना भाई एवरेज यानी कि औसत। तो आज की क्लास में हम भाई सिर्फ एवरेज के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एवरेज का जो कंप्लीट बेसिक है, जो उसके फॉर्मूलाज हैं, आप बस उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी इस क्लास में। तो आइए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए किसको पढ़ेंगे भाई, औसत। औसत को ही हम क्या बोलते हैं भाई, एवरेज। सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। देखो भाई एवरेज की परिभाषा क्या होगी, ठीक है, या औसत की परिभाषा क्या होगी। औसत का मतलब क्या होता है, देखो औसत का मतलब होता है कि कोई भी वही चीज है, जैसे कि मान के चलो इस पूरी क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं भाई, ठीक है, तो मैं बाहर से लड्डू लेके आया भाई 100, ठीक है ना, मुंह में पानी मत लेके आओ, बस लड्डू का नाम नाम है, ठीक है भाई। इस क्लास में बच्चे बैठे हैं 20, बाहर से लड्डू लेके आया मैं 100, तो वो मेरी मर्जी है, मैं किसी को 6 दे दूं, किसी को 4 दे दूं, किसी को 3 दे दूं, किसी को मैं 10 भी दे दूं भाई, लेकिन बाहर क्या रहेगा कि 20 बच्चों के लिए 100 लड्डू गए हैं, ठीक है, 20 बच्चों के लिए 100 लड्डू गए हैं, तो औसत क्या रहेगी, 5, क्योंकि प्रत्येक के हिस्से कितने आने चाहिए भाई, 5, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, औसत बोलेंगे, यानी कि जो औसतन संख्या जो सभी में बराबर बराबर बांटी जा सकती है या जा चुकी है, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, एवरेज बोलेंगे। ठीक है, एवरेज के लिए देखो हमें सबसे पहले जो हमारा बेसिक रहता है बिल्कुल, एवरेज के एक फार्मूला, एक ही फार्मूले से हम तीन फार्मूलों को पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई, औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखो औसत के फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे भाई, किस चीज का फार्मूला पढ़ेंगे हम सबसे पहले, औसत। देखो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है वो होता है भाई हमारा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग, योग का मतलब क्या होता है, देखो योग वही था लड्डू 100, और कुल संख्या कितनी मिलती, जो बच्चों की संख्या थी भाई, ठीक है, बच्चों में जो बांटे गए लड्डू है ना उनका योग करना है। ठीक है, संख्याओं का योग का मतलब यही है भाई कि संख्याओं का योग, यानी जिस बच्चे को जितने भी लड्डू दिए गए थे उन सभी का योग कर लो, कितना होगा, 100 होगा। कितने बच्चों में बांटा गया, 20 बच्चों में भाई, तो औसत क्या होगा हमारा, 100/20, यानी कि 5 हमारा क्या हो जाएगा उसमें, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, देखो इसी से हम जो एवरेज है ना, औसत का जो फार्मूला है, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो औसत के बाद अगर हमें निकालनी हो संख्या, ठीक है, हमें क्या निकालनी हो भाई, संख्या निकालनी हो हमें, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग बटे औसत, संख्याओं का योग बटे औसत। अब हमें एक मान के चलो, देखो हमारे पास लड्डू थे भाई 100, हमें पता है औसत का, हमें बच्चों की निकालनी है संख्या, 100 लड्डू थे भाई, ठीक है, औसत कितनी है, 5, 5 से भाग कर दो, हमें पता चल जाएगा हमने कितने बच्चों में बांटा, तो हमें बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, संख्या। ठीक है ना, देखो उसी चीज से सेम ऊपर वाले चीज से नीचे वाला निकल के आया, अब हमारा क्या बच गया भाई, योग, यानी कि जो हम संख्याओं का योग बोलते हैं ना, अगर हमें ये योग निकालना, तो योग का मतलब क्या होता है भाई, औसत गुणा में संख्या बोल दो, या फिर टोटल संख्या ही बोलेंगे इसको, कुल संख्या, जितने बच्चों की संख्या, देखो योग निकालना भाई, योग कितना था, मतलब 100, टोटल लड्डू कितने हैं 100, अब हमें ये निकालना है औसत कितनी थी भाई, 5, बच्चों की संख्या कितनी है 20, 20 गुणा 5 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, 100 प्राप्त हो जाएगा। एवरेज में मेरे तरीके के हिसाब से सिर्फ आपको ये तीन ही चीजें पढ़नी है भाई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है भाई योग। ठीक है, योग के बिना हम एवरेज में कुछ भी नहीं कर सकते, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो योग का पोर्शन रहेगा भाई, योग। ठीक है ना, योग आप याद रखोगे, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना प्लस भाई, टोटल का सम जो हमारे पास है भाई हमारा क्या होगा, योग होगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये तो है एवरेज का बेसिक सा, इसके बाद भाई एवरेज में क्या बात करता है, एवरेज में बात करता है संख्याओं के ऊपर, जैसे कि हमारी सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, हमारी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर आप सभी को पता होगा, सम यानी कि इवन नंबर्स, और विषम यानी कि ओड नंबर्स, आप सभी इन संख्याओं के बारे में जानते भी होंगे।
ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम है ना संख्याओं के बारे में बात करेंगे, और संख्याओं में हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में। किसके बारे में भाई? सम संख्या के बारे में। देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सम संख्या है क्या, कौन सी संख्याएं सम संख्या होंगी। तो आपने भाई बचपन से सीखते आ रहे हो कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी भाग हो वो कौन सी संख्या होंगी भाई, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, या जो दो से पूरी पूरी छोटे दो से भाग होती हो। ठीक है, अब छह दो से पूरा भाग तो नहीं होता, लेकिन एक बार तो भाग हो जाएगा ना दो से। ठीक है भाई, दो से भाग होती हूँ वो संख्याएं कौन सी होंगी भाई, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, दो से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी है, सम यानी कि इवन नंबर्स। अब मैं आपको बोल दूं कि इवन नंबर का हमें निकालना है भाई औसत, और मैं आपको बोल दूं कि प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, कितने का बोल दिया मैंने आपको, प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत बताओ भाई, क्या बताओ आप, औसत बताओ और आप मेरे को बताओ भाई, प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत भाई होगा बताओ। तो इसके लिए देखो आप, ये तो है नहीं कि जोड़ के देखोगे स्टार्टिंग से, ठीक है ना। अब हम ये नहीं करेंगे कि हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, इनको हम ये जोड़ेंगे नहीं। इनका हम क्या करेंगे, देखो इनका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक सी बनी हुई है भाई, इसके लिए हम क्या लिख देंगे भाई, एन प्लस वन, ये हमारा क्या होगा भाई, औसत होगा। और हमें योग निकालना है, देखो योग निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती है उसको किससे गुणा कर दो, औसत से गुणा कर दो। संख्याएं हमारे पास यहाँ कितनी है भाई, एन, एन का मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एन का मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि संख्या, जितनी हमारी संख्याएं वो क्या होंगी भाई, एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, एन से आपको दर्शा रहा हूँ कि जितनी भी हमारी संख्या होगी उसको हम क्या लिखेंगे भाई, एन लिखेंगे। ठीक है, तो एफ मैंने क्या बोला था, 200 संख्या है, तो इनका जो औसत होगा ना भाई वो क्या होगा, 200 + 1 = 201 होगा। आप कुछ भी करके देख लेना, ठीक है ना, कि प्रथम लगातार 200 सम संख्याओं का औसत क्या होगा भाई, 201 होगा। और अगर मैं इसी में योग की बात कर दूं, उनको जोड़ने की बात कर दूं, तो मैंने देखो एक बात बताई थी, औसत गुणा संख्या, यानी औसत गुणा संख्या हमारे पास एन है भाई, एन प्लस वन इनका क्या है, बस एन हमारे पास संख्या, एन प्लस वन इसका क्या है, औसत है। तो एन इंटू एन प्लस वन ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, योग हो जाएगा, यानी 200 × 201। इसको हम करेंगे 201 × 220 पे भाई, 0 की फिर 0, 2, 200 × 400, 402। ठीक है भाई, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, योग आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, योग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये संख्याएं, सॉरी ये औसत आ गया था, और ये क्या आ जाएगा भाई, योग आ जाएगा। ये हमने किसके बारे में पढ़ा भाई, सम संख्या के बारे में। देखो सीधी सी बात में अगर मैं आपको बोलूं, सम संख्या के बारे में हम जब भी बात करेंगे, किसके बारे में भाई, सम के बारे में, तो इसके लिए सम की देखो अगर हमें निकालनी हो औसत, देखो बात करेगा प्रथम की हम तभी बात करेंगे, बात करेगा प्रथम की तो हम बात करेंगे, अगर औसत निकालनी है तो एन प्लस वन, और योग निकालना है सम संख्याओं का। जब भी देखो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एक बात याद रखना, मैं बार बार प्रथम बोलेगा, प्रथम 200 संख्याओं, दो प्रथम 200 सम संख्याओं की, 200 सम संख्याओं की, विषम संख्याओं की, तो भी योग क्या निकालेंगे, योग के लिए हम क्या करेंगे, एन इंटू एन प्लस वन कर देंगे भाई। ठीक है, देखो ये बात थी सिंपल लैंग्वेज की, अगर मैं थोड़ा घुमा के बोलूं, ठीक है थोड़ा सा घुमा के बोलूं कि प्रथम 200 संख्याओं में सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 200 संख्याओं में सम संख्या का औसत क्या होगा। अब इस बात को कई बच्चे ये बोलेंगे कि नहीं सर ये तो 201 हो गया, बिल्कुल आसान है, अरे ये 201 नहीं होगा, 201 क्यों नहीं होगा, देखो मैंने बोला क्या है, प्रथम 200 संख्याओं में सम संख्या। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, संख्या है भाई 1 से 200, 1 से 200 में क्या होगा भाई, 100 है वो सम रहेंगी और विषम कितनी रहेंगी भाई, 100 रहेंगी, 100 सम है 100 विषम है 1 से 200 में, दो तो हमें पता किसका करना है भाई, ओनली सम का, प्रथम से है शुरू से है भाई 100, ठीक है बिल्कुल 100 है, तो इनका क्या हो जाएगा भाई, 101 इनका एवरेज हो जाएगा।
ठीक है ना, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। आज की क्लास में बिल्कुल आप बेसिक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई एवरेज का, और बिल्कुल आसान चैप्टर भी है। थोड़ा सा कर लोगे, ध्यान से कर लोगे, अच्छे से कर लोगे तो बिल्कुल बच्चा टाइप लगेगा आपको। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको करने में भी दिक्कत होगी भाई, बहुत सारी दिक्कत होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको इसका बेस आज ऐसा क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल आप ये समझ लो कि बिल्कुल ही ना के बराबर आपको लगेगा कि हाँ एवरेज तो कोई चैप्टर ही नहीं है। ठीक है ना, देखो इसके बाद तो हमने अभी पढ़ा सम संख्या के बारे में, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या यानी कि भाई ओड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओड नंबर्स कौन से होते हैं भाई, जो दो से भाग नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। ठीक है ना, ये कौन सी संख्याएं हैं भाई, ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या कौन सी होती है, जो दो से भाग नहीं होती, वो कौन सी होंगी हमारी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, देखो भाई विषम संख्या है भाई, विषम संख्या के लिए जो इसकी औसत का फार्मूला रहता है, देखो जो औसत का फार्मूला रहता है प्रथम के लिए जब भी बोलेगा, ये बात याद रखोगे, प्रथम 100 लगातार, प्रथम 200 लगातार, प्रथम 300 लगातार विषम संख्याओं की बात करेगा तो इसका क्या रहेगा, ओनली एन रहेगा, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, मैं आपको ये दोनों चीजें, देखो सम का भी हमने पढ़ा, विषम का पढ़ा, आगे हम नेचुरल का पढ़ेंगे, तीनों का मैं आपको फार्मूले के साथ भी करवाऊंगा। ठीक है, एक बार मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, मैं आपको ये बिल्कुल सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये चीज ऐसे ही होंगी। ठीक है ना, एक बार आप इन चीज को बस नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए कि एन इसकी औसत क्या रहेगा भाई, एन रहेगा, और मैं बात करूं इसके योग की तो योग क्या हो जाएगा भाई, एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, और एवरेज यहां पे कितनी है भाई, एन है। ठीक है, एन एवरेज है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, एन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, योग प्राप्त हो जाएगा, योग एन स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो हमने सम के बारे में पढ़ लिया, विषम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बचता है वो हमारा बचता है भाई प्राकृत नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स। कौन सा बचता है भाई हमारा, प्राकृत नंबर्स, प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक से शुरू हो जाओ चलते जाओ, क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे हमारे भाई। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर के लिए अगर हमें नेचुरल नंबर की औसत प्राप्त करना हो, नेचुरल नंबर दे रखे हैं अभी कोई भी लगातार प्रथम से, मैं एक बात याद रखोगे जो मैंने आपको अभी बोली है, प्रथम से। ठीक है, कि स्टार्टिंग से ही हम इसमें बात करेंगे, ना कि हम बीच से आगे पीछे से बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम स्टार्टिंग से ही बात करेंगे, प्रथम से बात करेंगे, तो इनकी औसत क्या होगी भाई, n प्लस वन बाई टू। ठीक है, ये इनकी क्या होगी भाई, औसत होगी, और इनके योग के लिए हमें जो करना होगा, योग के लिए हम क्या करेंगे भाई, मैंने आपको जैसे कि बताया n into n plus 1 by 2, n से गुणा क्यों किया, क्योंकि n क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू औसत किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई कि योग का जो है ना, इसमें योग का जो संबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, योग आप सभी को याद रखना है, योग ही इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैटर करता है। ठीक है, तो योग इनका क्या होगा भाई, n into n plus 1 by 2। ठीक है भाई, देखिए अभी हम एग्जांपल के साथ बात करते हैं, सबसे पहले हम प्राकृत संख्या का एग्जांपल लेते हैं। प्राकृत संख्या देखो हमारी कौन सी होती है भाई, मैं मान के लेता हूं आपको कि पहले हम चार प्राकृत संख्याओं के बारे में बात करते हैं, 1, 2, 3, 4। मैं इनकी औसत कहता हूं आपको 4 + 1 = 5, 5 / 2 यानी 2.5 आ गया भाई, मैं अपने तरीके से मैंने बोल दिया कितना आ गया 2.5। अब हम करेंगे मैथ के तरीके से, मैथ क्या कहता है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग करो भाई, 4 + 3 + 2 + 1, 4 × 7 = 9 और 1 = 10, कुल संख्या हमारी कितनी है भाई, 4 है। 10 को भाग करो कितने से, 4 से काटोगे क्या आएगा भाई, 2.5 ही आएगा, है कोई अंतर भाई, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है, आप इनको जोड़ के देख लो, 2.5 को 4 से गुणा कर दो 10 आएगा, 10 हमने जोड़ा है भाई। ठीक है ना, 10 हमने जोड़ा है,
तो हमारी यही बात रहेगी कि आप इनको यूज करो, उनको यूज ना करो, 100-200 तक लगातार दे देगा तो आप इसमें जोड़ने में ही रह जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो जो छोटी चीजें हैं हमारे, छोटे तरीके हैं, n+1/2 है, n=n+1/2 है, आप इनको यूज करिए, औसत को यूज करिए, योग को यूज करिए, ठीक है, उन चीजों को छोड़ के आप इस चीज को यूज करिए। ओके, देखो इससे पिछले में हमने किसके बारे में पढ़ा था, विषम संख्या के बारे में। अब मैं आपको विषम संख्या का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। देखिए विषम संख्या हमारी कौन सी होती है भाई, 1, 3, 5, 7। मैंने 5 विषम संख्याएं ले ली भाई, ठीक है, 5 विषम संख्याएं मैंने ले ली, 5 विषम संख्याएं मैं ले रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं कि इनका मुझे औसत बताओ। मैं तो कह रहा हूं इनका औसत क्या आएगा भाई, 5 आएगा, मैंने मित्र इसके हिसाब से कह दिया, और इनका योग कह रहा हूं तो 5 × 5 क्या आ गया भाई, 25 आ गया। मैंने तो योग भी बता दिया, औसत भी बता दिया। अब हम मैथ के तरीके से अगर इसको करें, देखो 1+3+5+7+9 भाग किससे करेंगे भाई, 5 से, 3 × 1 = 4, 5 × 9 = 16, 25 भाग में 5 क्या आ गया, 5 जोड़ा था हमने तो योग भी 25, भाग किया मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व किया तो भी हमारा क्या आया औसत भाई, 5 ही आया, और यहां से भी हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये बात आपको हैंस प्रूव्ड करके दिखा दी है। और इससे पीछे हमने किसके बारे में बात की थी भाई, सम संख्या के बारे में बात की। तो सम संख्या के बारे में, सम संख्याएं कौन सी लेते हैं, सम संख्याएं लेते हैं हम, देखो 2, 4, 6 और 8, हम 4 सम संख्याएं लेते हैं। मैं आपको कहता हूं कि चारों सम संख्याओं का औसत, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, n+1, तो मैं कहता हूं इनका औसत आएगा 4+1=5 आएगा, 4+1 क्या आएगा, 5 आएगा, मैंने आपको औसत बता दिया। और मैं योग की बात करें तो मैं योग कहता हूं 5 × संख्या कितनी है, 4 क्या आएगा भाई, 20 आ जाएगा भाई। अब देखो यहां पे देखते हैं, 2+4+6+8 भाग कितने से करेंगे भाई, 4 × 4 = 2, 6 × 6 = 12 और 8 = 20, 20/4 औसत आ गई भाई 5, योग कितना फाइंड आउट किया था, 20। तो आप देखो अभी आप हमने चीजों में जो भी पढ़ाया भाई, क्या पढ़ाया कि सारे के सारे जो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये यही चलेंगे इनके साथ में, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, कोई भी संख्या दे दे, लगातार पूछ ले, तो हम किसका यूज करेंगे भाई, इनका यूज करेंगे, n+1, n और n+1/2, इन तीन चीजों का हम यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो भाई, जब कोई भी पहाड़ा दे रखा हो, ठीक है ना, जब कोई भी क्या दे रखा हो भाई, पहाड़ा दे रखा हो, पहाड़ा इन द सेंस जैसे कि विषम संख्या का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा दे दिया, तो उसमें क्या होगा भाई, बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होगी, औसत होगी भाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी विषम संख्या का पहाड़ा होगा तो जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारी क्या होगी भाई, औसत होगी। जैसे 3 का 5 का 7 का 9 का किसी का भी पहाड़ा हो तो जो बीच वाली संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी भाई, औसत हो जाएगी, ठीक है। सम संख्या का पहाड़ा हो तो भी यही चीज होगी, सम संख्या का पहाड़ा हो तो भी यही चीज होगी, क्या होगी, जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। सम और विषम को देखो, मैंने दोनों के बारे में बताया, तो यानी सीधी सी बात है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी पहाड़े की बात करेंगे, कोई भी पहाड़ा हो, अगर उसमें बीच की संख्या जो भी है वो हमारी क्या होगी भाई, औसत हो जाएगी, ठीक है। देखो हमने पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिया, सम के बारे में, विषम के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में, और हमने औसत का जो स्टार्टिंग का था हमने वो पढ़ लिया। उसके बाद देखिए भाई, फर्दर टाइप्स इसमें होता है, थोड़ा मोटा पूछता है जैसे कि सम विषम संख्याओं से आगे क्या पूछता है, इसके देखो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, अगली क्लास में। इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे इनका बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल इसका जो बेसिक बेस है ना पूरा पूरा, हम वो क्लियर करके चलेंगे बस, एवरेज का, ठीक है ना दोस्तों, सिर्फ बेस क्लियर करेंगे हमें, और इस क्लास में कुछ ज्यादा नहीं करना है, चाहे क्लास हमारी छोटी हो बड़ी हो, सिर्फ इस बेस को पूरा पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने भी सम विषम प्राकृत सभी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, हमने पहाड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कभी पहाड़े की बात होगी तो हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या ही क्या होगी हमारी, औसत होगी भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आपको बोल देता हूं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है कि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत, मैं यहां पे सम लिख देता हूं, सम संख्याओं का औसत 15 लगातार
सम संख्याओं का औसत 56 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये चीज जो मोस्टली पूछ लेता है भाई आर्मी वगैरह में कि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 56 है तो सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे छोटी बड़ी संख्या अगर हमें प्राप्त करनी है भाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर 15 संख्याओं की बात कर रहा है तो जो 56 होगा ना वो कौन सी संख्या होगी भाई, बीच की संख्या होगी। इससे 7 इधर सम होंगी और 7 इधर होंगी भाई सब। ठीक है, 7 इधर सम होंगी और 7 उधर सम होंगी, पहली इस बात का। अगर दूसरी बात भाई, अब देखो 15 हमारे पास संख्या है, औसत कितना है भाई 56। सबसे पहला जो हमारा काम होगा, इसके लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आप पूरा का पूरा एग्जाम है ना बिल्कुल यूं चुटकियों में कर दोगे आर्मी में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो, एक सेकंड के अंदर। सबसे पहले संख्या में से एक कम करो, कितना आ गया भाई 14 को इसमें जोड़ दो भाई, कितना आ गया 70 और 14 को इसमें से घटा दो भाई, कितना आ गया 42। 42 हमारी कौन सी संख्या होगी भाई, छोटी संख्या होगी, और 70 हमारी कौन सी संख्या होगी भाई, बड़ी संख्या। बस एक ही काम करना है, 15 में से एक को घटा दो, जो संख्या बच गई उसको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, जोड़ने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी और घटाने पर हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जोड़ने पर बड़ी संख्या और घटाने पर छोटी संख्या, ये चीज याद रखोगे चाहे सम की बात करें या विषम की बात करें। भाई मैं आपको विषम का भी एक एग्जाम्पल दूंगा, चाहे सम की बात करें या फिर विषम की बात करें, हम दोनों का हमारा दोनों में सेम फार्मूला रहेगा भाई। ठीक है, देखिए अभी विषम के बारे में और पढ़ लेते हैं एक बार, मैं आपको सेम यही चीज बोलता हूं, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है भाई। एक बात और याद रखोगे, सम का औसत हमेशा विषम, सम का औसत सम होगा, विषम का हमेशा विषम होगा, ये बात ध्यान में रखोगे। और जो भी औसत वाली संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी भाई, बीच की संख्या होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत ही जरूरी है। अब देखो सेम वही चीज लगाओ, 15 - 1 कर दो भाई, क्या बच गया 14, हमारे पास संख्या क्या थी, औसत क्या है भाई 53, प्लस कर दो 14 क्या हो गया 67 हो गया भाई, माइनस कर दो 14 39, सबसे बड़ी संख्या होगी 67 और जो छोटी संख्या होगी भाई वो हमारी क्या होगी 39, छोटी संख्या और बड़ी संख्या 67, ये दो संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी, ये छोटी होगी ये बड़ी होगी। एक बात जो मैंने आपको बताई कि जो 53 होगी ना ये हमारी बीच की संख्या प्राप्त संख्या होगी। अब देखो मैंने आपको बोला सबसे छोटी है ना जो वो है 39 के बाद देखो हम बात करते हैं 39 के बाद कौन सी होगी 41 45 47 49 53 और 51 के बाद 53। अब एक बात देखो 53 से साइड आपको 7 संख्याएं मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 साथ इस साइड है, साथ ही उस साइड होंगी, क्योंकि बात कितनी संख्याओं की कर रहा है 15 संख्याओं की बात कर रहा है, 15 में क्या होगा ये बीच वाली होगी, 7 इसके लेफ्ट साइड और 7 इसके राइट साइड, 7 इससे छोटे होंगे और 7 इससे बड़ी होंगी। 53 के बाद देखो भाई 55 57 59 61 63 67 1 2 3 4 5 6 और 7 सात संख्या ना, सात ये होगी, 7 ये होगी, 14 और 1 ये खुद होगी, कितनी होगी भाई 15 संख्याएं होगी हमारी। तो ये जो औसत होगी वो हमेशा क्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया भाई, देखो सम के लिए और विषम के लिए हमारा इसमें क्या बच गया, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या। ठीक है भाई, प्राकृत संख्याओं के बारे में और हम देखते हैं। देखिए प्राकृत संख्याओं में मैं आपको बोलता हूं कि 13 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 24, तो छोटी में बड़ी संख्या बताओ, तो क्या करना है भाई छोटी में बड़ी संख्या बतानी है। इसमें देखो हमारी एक चीज सेम रहेगी, संख्या कितनी है भाई
तेरा ही घटाओ, कितना बच गया 12। अब देखो इसमें आपको ये चीज नहीं करना कि जो औसत हमें 24 दिया हुआ था इसमें आप 12 जोड़ दोगे। 12 क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि वहां पे संख्याओं में कितने गैप था भाई, दो दो गैप था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सेम कर देते आज की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे हमें उस गैप को कम करने के लिए दो के गैप कितना करना भाई, एक आधा करना है। आधा कैसे होगा, जब हम किसी भी संख्या को दो से भाग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी भाई, आधा हो जाएगी। तो हम 12 को क्या करेंगे भाई, दो से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा भाई। तो 6 आ जाएगा तो इस 6 को जोड़ दो, क्या हो गया 30, और इसी 6 को घटा दो, क्या आ गया भाई 18। ये हमारी क्या होगी भाई, छोटी, और ये हमारी क्या होगी भाई, बड़ी। दो संख्याएं हमें प्राप्त होगी, 18 जो है छोटी होगी और 30 जो है बड़ी संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है भाई, प्राकृत संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया, सम विषम के बारे में देखो, सम और विषम का हमारा पोर्शन कंप्लीट है, प्राकृत का हमारा पोर्शन कंप्लीट है। ठीक है, एवरेज का जो बेसिक था हमारा उसका जो है वो कंप्लीट है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में भाई। ठीक है, आज की क्लास को देखो हम यही पूरा करेंगे, क्योंकि हमने इस क्लास में पूरा का पूरा जो एवरेज का बेसिक है ना वो कंप्लीट कर लिया है। और एवरेज का बेसिक के बाद हम जब भी इसके क्वेश्चन करेंगे, देखो अगली क्लास में हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमें बिल्कुल आसानी होगी इनको करने में, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो भाई दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगर आपका दिल्ली पुलिस का पेपर भाई बहुत अच्छा जाए, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, देखो हमारे लिए तो। ठीक है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भाई दिल्ली पुलिस के लिए, तैयार हो जाओ, कल से आपका एग्जाम हो भाई दिल्ली पुलिस का। ठीक है ना, ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में इसी चैप्टर के साथ एवरेज। ओके दोस्तों।